नमस्कार मैं गिरीश कुमार तिवारी डी कार्यक्रम के इस चर्चा सत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ पटना के मैत्रेय कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी चर्चा के लिए उपलब्ध हैं और आज के हमारे चर्चा का विषय है अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ या परिप्रेक्ष्य तो डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने स्टूडियो में धन्यवाद और मैं चाहता हूँ कि चर्चा के आरंभ में आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से क्या आशय है और अधिगम के संदर्भ में ये कैसे अधिगम से संबंधित है देखिए आज की चर्चा का जो हम लोगों का विषय है उसमें मुख्य रूप से हम यह जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बच्चे या बच्ची के सीखने को उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना जिसमें वो रहता है जी वो कितना प्रभावित करता है या करती है जी, और सबसे पहले तो एक बात हमें यह मान लेनी चाहिए कि कोई भी बच्चा बच्ची जी, जब स्कूल आता है तो वह बिना किसी अनुभव के नहीं आता नहीं आता है। बिना किसी भाषा के नहीं आता जी, है। लेकिन हम लोग आम तौर पर ये सोचते सोचते हैं कि ये पहली बार आया है पढ़ने स्कूल इस में इसके पास कोई इस तरह का अनुभव नहीं, नहीं होगा जी। और साथ ही साथ हम ये मान लेते हैं कि इसके पास जो अनुभव है उसका कोई महत्व हमारी नियमित पढ़ाई लिखाई में नहीं है नहीं, तो एक तरह से जब हम सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इन दो सवालों पर ही सवाल खड़ा करते हैं सवाल खड़ा करने का मतलब है कि इन दो सवालों के साथ साथ हम जूझते हैं कि क्या सच में किसी बच्चे का सीखना ऐसे ही एकांगी होता है वो जैसे तैसे सीख जाता है अब आप फर्ज़ करिए कि एक गांव का छोटा बच्चा है जी। वह देखता है कि घर से जब भी वो निकलता है अपने किसी बड़े के साथ तो आमतौर पर उसके बड़े जो हैं वो आसमान की तरफ सर उठा के देखते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि बादल बादल है कि नहीं नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि वो दादा या चाचा या किसी के साथ जा रहा है तो वो कहते हैं कि बचिया देख छाता ले ले, छाता ले लगता ले है बारिश हाँ। होने वाली है, बद्री हाँ, बद्री, है कि, हाँ, कि इस तरह के का कुछ। जो उनकी भाषा है उस भाषा में बताते हैं तो एक अनुमान वहा है जिसका आसमान का रंग देख के उनके बड़े अनुमान लगा लेते हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जी जी बच्चा वो देख के या बच्ची वो देख के ये सीख रहा है जी शहरों में आमतौर पर जब आप जाएंगे तो ये बात आपको देखने को नहीं मिलेगी जी बल्कि मेरा अपना मोटा अनुभव ये है कि हम कई बार शहरों में जब पूछते हैं बच्चों से कि आसमान देखे कितने दिन हो गए तो उन्हें याद करना पड़ता है कि आसमान देखे कई दिन हुआ तो यह तो ग्रामीण और शहरी परिवेश का केवल मैंने एक फर्क बताया जी लेकिन इसके साथ ही साथ सीखने के लिए जिन अवसरों की या जिन जिस तरह के संरचना की आवश्यकता होती है उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के लिए मेरा अपना शिक्षकीय अनुभव एक बहुत ही इस समय के लिए मौजूद होगा जी। मैंने अपने जीवन की शुरुआत एक प्राथमिक विद्यालय के भाषा शिक्षक के रूप में शिलोंग से की शिलोंग जहाँ मतलब मातृभाषा हिंदी वाले लोग कम हैं कम हैं लेकिन यह विद्यालय चूँकी गृह मंत्रालय का विद्यालय था असम राइफल्स द्वारा संचालित था और वहाँ उत्तर पूर्वी राज्यों के सेवन सिस्टर्स कहे जाने वाले सभी राज्यों के जी, से बच्चे थे और उत्तर भारत के वैसे बच्चे थे जिनके पिता आसाम राइफल्स में काम काम करते, करते थे, थे।, थे। भाषा शिक्षक की हैसियत से मैंने ये तय किया था कि मैं आ, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो एकांकी है उससे सवाल नहीं पूछूंगा परीक्षाओं में बल्कि उसका मंचन करवाऊंगा मंचन करवाने का अर्थ ये था कि इस उस कक्षा के सभी बच्चे उसमें भाग शामिल उसमें भाग करें अपना आ, मैं वहाँ के हिसाब से नागालैंड हाउस वहाँ के एक हॉस्टल का नाम था छात्रावास का नाम था उसका मैं प्रभारी जी। मैं प्राध्यापक था जी। रात में एक दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ था तो मेरे पास बच्चों का दो समूह आया मैंने उनको एक नाटक एक एकांकी दी थी जिसका उनको मंचन करना था और ये एकांकी थी भाई भरत भाई भरत वह एकांकी है जिसमें इस कथा का वर्णन है कि कैसे रामचंद्र जी वनवास गए और भरत उनको फिर से वापस रहे हैं कि आप वापस है। वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं जी तो मेरे पास अब दो समूह आया जी और इस समूह के पास एक प्रश्न था कि आ, सर हम अब क्या करें जी। तो मैंने कहा कि भाई करना क्या है ये बताइए तो जो उत्तर भारत के बच्चे थे उन्होंने एक मुकुट दिखाया ठीक वैसा ही मुकुट जैसे अपने यहाँ रामलीला में पहना जाता पहना है, जाता है और जैसी संकल्पना हमारे यहाँ है कि राम इस तरह का मुकुट पहनेंगे तो वो जिस तरह से सजावट के साथ बने उस तरह का मुकुट था जी। एक दूसरा समूह भी बच्चों का था जिन्होंने कुछ जंगली पत्तों से पत्तों से और तनाव का प्रयोग किया मुकुट बना रखे थे दोनों ही मुकुट थे मैं बड़े संकट में पड़ा एक शिक्षक होने के नाते कि भाई मैं क्या करूं जी मैंने बीच का रास्ता उस समय निकाला था जहाँ तक मुझे याद है ये 25 साल पुरानी लगभग 24-25 साल पुरानी घटना है आ, मैंने एक बीच का रास्ता निकाला कि राम जी जब रामचंद्र जी जब अयोध्या में हैं तो ये वाला मुकुट पहनेंगे यानी जो उत्तर भारतीय बच्चों ने बनाए थे वो मुकुट पहनेंगे और ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट हाँ, के जो बच्चे जो बच्चे हैं जिन्होंने जंगल के पत्तों पेड़ की टहनियों जो से जो मुकुट बनाया है, बनाया है ये जब वो जंगल चले जाते हैं तो तब पहनते हैं लेकिन एक शिक्षक के रूप में मेरी बात ये समझ में आई कि एक ही कहानी को के पात्र को समझने के लिए कैसे दो अलग अलग तरह की सामाजिक सांस्कृतिक जो विविधता है उसने हमारे बच्चों के को दो समूह में स्वतः बांट दिया तो अलग अलग संकल्पनाएं उनके मन में उनके मन में आई दोनों के पास मुकुट है लेकिन दोनों के मुकुट भिन्न है भिन्न है एक ने उस तरह का मुकुट शायद नहीं देखा, नहीं देखा। जैसा उत्तर भारतीय बच्चों ने देखा था उत्तर पूर्व के बच्चों ने शायद उस तरह का मुकुट नहीं देखा।, नहीं देखा। तो उनके मन में संकल्पना नहीं आई कि मुकुट ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए बिल्कुल तो इसलिए ये जो विविध अनुभव हैं बच्चे जो अपने आसपास से बटोरते हैं ये जो दो उदाहरण मैंने आपको दिया जी जी उसमें बच्चों के इन विविध अनुभवों को कक्षा में स्थान देना आवश्यक है जी और वह इसलिए आवश्यक है कि उसके तीन बड़े साफ नजरिए हैं एक तो बच्चों के दृष्टिकोण से जी। बच्चों के दृष्टिकोण से कहने का मतलब है कि यदि हम कक्षा में बच्चे के अनुभव और उसकी भाषा को सम्मान नहीं देते जी। जैसे क्या है कि सूरज पूरब में उगता है जी। ये जीवन के पहले दिन बच्चा नहीं जानता नहीं जानता है सूरज किसी के घर के पीछे से उगता होगा किसी मंदिर मस्जिद के पीछे से उगता होगा किसी पहाड़ी के पीछे से उगता होगा किसी नदी में डूब जाता होगा किसी ताल तलैया में डूब जाता होगा बच्चे के आम जीवन में जो उसका परिवेश है उसमें ऐसा ही अनुभव है जी अब पहले ही दिन से हम उसको ये कहने लगे कि सूरज पूर्व में उगता और पश्चिम में डूब जाता है।, है।, है तो बच्चा सीधे सीधे इस बात को नहीं जान नहीं जान नहीं जान पाए नहीं पाए समझ नहीं पाए। पाए। नहीं सम... अब हम शिक्षकों को करना यह होगा कि जिधर से सूरज उगता है वो पूरब है या जिधर किसी जानने वाले व्यक्ति का घर है, वो पूरब है और जिधर नदी या ताल तलैया है जिधर सूरज डूबता है वो पश्चिम है ये हमें बताना जी ये बताने की कला हमको आनी चाहिए, आनी चाहिए, चाहिए। और जो जिसका उपयोग हमें करना चाहिए शिक्षक के दृष्टिकोण से इसलिए आवश्यक है इस विविध अनुभवों को समझना या सामाजिक सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं उसको जानना या यह जानना कि यह किस तरह से अधिगम को या सीखने को प्रभावित करता है क्योंकि एक ही कक्षा में सभी बच्चे एक तरह के होते नहीं, नहीं होते हैं अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग तरह से सीखने वाले बच्चे हैं जी बच्चों के सीखने का पैटर्न ये मनोविज्ञान हम लोगों को बता चुका है आपने पहले भी पढ़ा और जाना है सभी शिक्षक मित्रों ने जी। कि हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग 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 अलग, -अलग, 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 -अलग हो सकता है तो यदि हम उन बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को जी। जो उसमें वैविध्य है जो भिन्न भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लेकर अपने साथ या उसके अनुभवों को लेके आते हैं यदि एक शिक्षक उसको न समझे तो वो कक्षाई रणनीति सार्थक नहीं बना नहीं बना पाएगा फिर वो अनुमान से रणनीतियां बनाएंगे और ऐसी रणनीतियां यदि कक्षा में वो, दम तोड़ देती है अधिक प्रभावी तो नहीं हो पाती नहीं हो इसीलिए जिस अगले बिंदु पर हम लोगों को चर्चा करनी है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दृष्टिकोण से वो यही है कि शिक्षक जब तक अपने पात्र को अपने बच्चे को न जाना तब तक ये संभव नहीं है कि वो शिक्षा अधिगम की सटीक प्रक्रिया का निर्माण कर सके। जो हम लोग सुनते रहे हैं या शिक्षा शास्त्र में आमतौर पर कई बार हम लोग कहते भी हैं जिसे हम लोग जगमग सिद्धांत कहते हैं जी। कि हम शिक्षक जो है वो जग हैं बड़े हैं और बच्चे जो है वो मग हैं छोटी हाँ, धारिता हाँ, है, हाँ, है हमारे पास इनको देने को बहुत बहुत है, है। बस हमें हम है, हमारा है, ये बना लेकिन यदि हमने इस मग की धारिता को नहीं जाना तो हो सकता है कि बहुत जरूरी चीज जो हम इसमें डालना चाहते थे बाहर आ जाए तो इसलिए यह जो धारिता है इस मग की यह उसकी वास्तव में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है यह बिना जाने आपके पास चाहे जितना देने को आप सही ढंग से इसको नहीं, नहीं दे, दे, से। दे पाएंगे इसलिए आवश्यकता है कि हम ये जाने कि बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक कि बच्चों की सामाजिक नहीं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या क्योंकि है? बच्चा जो तरीका लेके आया है जो सीखने का जो ग्रहण करने का तरीका लेके आया है वो तो अपनी उसी पृष्ठभूमि से लेके अगर जी, हम उसको नहीं जाने तो फिर हमारा देना निरर्थक हो जाएगा इस तरीके से कहा जाए तो अब इसमें आप एन ने जो स्वाध्याय सामग्री उपलब्ध कराई है आप सब प्रशिक्षुओं को उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से दो कहानी का जिक्र किया गया है और इस विषय को समझने के लिए मुझे लगता है कि ये दोनों ही स्थितियाँ छोटी छोटी कहानियाँ हैं उनको आप स्थितियाँ भी कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण होंगी दो कहानियों में पहली कहानी ऐसी है कि ये दोनों ही मतलब ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं की कहानी है जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे सीखें सीखें लेकिन दोनों के तरीके भिन्न भिन्न हैं जी एक जो पहले शिक्षक हैं रघु महंता जी, जी। आ, वो ये मानते हैं कि कक्षा में जाके और सीधे पढ़ाई लिखाई का काम शुरू कर देना चाहिए वे अपनी तैयारी को महत्वपूर्ण मानते हैं।, हैं कि जैसे उनको एक दिन भोजन पर एक पाठ पढ़ाना है जी। तो भोजन का क्या अर्थ है भोजन में क्या क्या होना चाहिए एक स्वस्थ आदमी के लिए कितनी कैलोरी लेनी जरूरी है आदि आदि ऐसे जो तथ्य या तत्व हैं उसकी वो तैयारी कर लेते हैं और उस तैयारी को वो जाके कक्षा में यथावत बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश हो सकता है कि रघु महंता को इसमें सफलता शायद न मिले। न मिले लेकिन जो दूसरी स्थिति है उसमें अनीता एक शिक्षिका हैं जी वो भी प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका हैं और इसी पाठ को पढ़ा रही हैं लेकिन अनीता का तरीका थोड़ा फर्क है वो कक्षा में जाते सीधे सीधे ये नहीं कहती कि हम तो आज इस पाठ पर चर्चा करेंगे हम आज इस पाठ को पढ़ने वाले हैं वो जाके पूछती हैं कि क्या हालचाल है कैसे हो और आज क्या खाया इस तरह के सवालों से वो चर्चा की शुरुआत शुरुआत करती है, करती है। पहली स्थिति में जहाँ बच्चे के पास अपने आप को व्यक्त करने के लिए उस विषय से जोड़ने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया वहीं दूसरी अवस्था में

आ, अच्छे ढंग से ये जानने की कोशिश करती हैं और कल्पना की दुनिया तक पहुंचा देती हैं बच्चों को जहां पहली स्थिति में आपने कुछ तथ्य उनको दिए और हो गई बात खत्म दूसरी स्थिति में न सिर्फ उन बच्चों की समझ बनाई जाती है बल्कि बच्चों को पर्याप्त समय दिया जाता है कि वे उस विषय पर सोचें तय करें आज उन्होंने क्या क्या खाया इस खाने से उनके शरीर को क्या क्या मिलेगा यदि भोजन न मिले तो क्या हो यह कल्पना करने के लिए भी यह शिक्षिका अवसर देती, देती है।, है तो ये जो दो स्थितियां या परिस्थितियां हैं इन दोनों को ध्यान में हमें रखने की आवश्यकता है और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दूसरी स्थिति का ज्यादा से ज्यादा पालन करें।, करें पहली स्थिति से बचें बचे। जहाँ हम ही एक तरफ तो हम कहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा है और दूसरी तरफ और ये शिक्षक केंद्रित केंद्र में अभी भी जगमग सिद्धांत को जारी रखना है तो ये केंद्र में हम ही बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है तो जो सार्थक अधिगम है उसमें सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों की जो अहम भूमिका है जी। इसके लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने बहुत ही अच्छी बात हमें बताई है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का कहना है कि बच्चे का समुदाय तथा स्थानीय वातावरण प्राथमिक संदर्भ का निर्माण करते हैं जिसमें अधिगम क्रिया होती है और जिसमें ज्ञान को महत्व अर्जित होती है बच्चा अपने वातावरण के साथ अंत क्रिया द्वारा ज्ञान की रचना करता है तथा उसका अर्थ निकालता है।, है। अब यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी स्थानीय वातावरण है, जी। जैसी हम लोगों ने एक आ, कहानी पहले आ, मैंने कही आपको कि जो बच्ची घर से निकल, निकल रही है अपने है। किसी बड़े बुजुर्ग के हाँ, पास और आसमान देखते हैं वो छाता लाने को कहते हैं हो सकता है बारिश हो सकता है कि बारिश हो तो ऐसी ऐसा अनुभव जो उसके जीवन में शामिल है उस अनुभव को आ, कैसे सीखने में हम शामिल कर सकते हैं और कैसे अधिगम को उसका आधार बना सकते हैं जैसे मान लीजिए कि कई क्षेत्रीय भाषाओं में कई फलों के नाम अलग अलग हैं अलग अलग हैं यदि मैं अपने प्रांत बिहार का संदर्भ लूं, तो हमारे यहाँ अमृत को कहीं रूनी कहीं लताम और भी कई अन्य हैं लेकिन अमरूद की यात्रा यदि हम रूनी और लताम से शुरू करें, करें तो मुझे लगता है कि वह सीखने का बहुत मजबूत आधार हो क्योंकि बच्चा जानता तो वही है बच्चे के मस्तिष्क में अमरूद की अवधारणा तो है ही वह तो, तो देख रहा है उसको। कि ये ऐसे चित्र जो है ऐसे रूप जो है वो अमरूद कहलाते हैं बिल्कुल वो चित्र को तो पहचानता है बस नामों नामों में नामों में भिन्नता भिन्नता। है।, तो है। तो वो नाम जो पारिवारिक स्थानीय तथा सामुदायिक परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं करने के जो दो महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं जो कहे गए हैं वो है पहला तो यह है कि स्थानीय वातावरण बच्चे को प्रचुर अनुभवों को अर्जित करने हेतु सहजीकरण की परिस्थितियां प्रदान करते हैं चीजों को जोड़ के देखने की एक से मतलब आप कोई एक बात उसको कहें तो बच्चा उसके साथ तो अपने को कैसे जोड़, जोड़ सकता है जोड़ सकता और है और जो उसके और अनुभव है उसको उसको कैसे जोड़ा है वो कैसे अनुभव जैसे यदि उसके आसपास के आपने उदाहरण दिए तो बहुत ही सहज ढंग से अपने आप को उससे जोड़ जोड़ लेता है अब इसको ऐसे समझें कि हम आ, लेह में बैठ के एक पाठ पढ़ा रहे हैं जी और पाठ ऐसा जिसमें हमको रेगिस्तान के जहाज ऊंट के बारे में पढ़ाना है जी अब आप सोचिए कि लेह और लद्दाख में एक पाठ ऊंट पर पढ़ाना हो तो वहां की साम, का, का जो भौगोलिक परिवेश है जहां ऊंट के मिलने की दूर दूर तक संभावना नहीं है और दूसरी तरफ वहीं अब हम जैसलमेर में बर्फबारी पर पाठ पढ़ाने लगे इन बच्चों को दोनों जो है वो उनके समझने की क्षमता से कह लीजिए कि वो बाहर की चीज हो जाएगी और या नहीं तो नहीं। हम इतने सशक्त हों कि उनकी उनके समझ के स्तर तक जाके बता, बता सके, सके। लेकिन आवश्यक नहीं है कि हम लेह लद्दाख में ऊंट पर ही पाठ पाठ या यह कोई आवश्यक नहीं है नहीं। तो स्थानीय वातावरण बच्चे को जो प्रचुर अनुभव देते हैं उसका हम उपयोग कक्षाओं में करें और ये देखें कि ये बच्चे जो अनुभव लेके आते हैं अपने साथ कम से कम अब तो शिक्षा शास्त्र हो भाषा विज्ञान हो सब ये मानते हैं कि तीन वर्ष की उम्र तक बच्चे अपनी भाषा का अधिकतम सीख चुके, सीख होते, चुके हैं। होते हैं चीजों को नाम से पुकारना जान, जान गए होते हैं, हैं।, हैं। अपनी मातृभाषा का बिना किसी व्याकरण की किताब पढ़े व्याकरण जान चुके, जान होते, चुके हैं। होते हैं लिंग बोध में गड़बड़ी नहीं करते एक वचन बहुवचन में गड़बड़ी नहीं करते तो इन सब तथ्यों के साथ अनुभवों और भाषा के साथ जब एक बच्चा कक्षा में आता है जी। तो मुझे लगता है कि उसके इस अनुभव का उपयोग कक्षा करना, में करना किया जाना चाहिए क्योंकि ये अनुभव उसके एकांगी अनुभव नहीं, नहीं है, है। ये अनुभव उसकी सामाजिकता और उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की देन है इसलिए इसका उपयोग करना कक्षाओं के लिए या सार्थक अधिगम के लिए आवश्यक होता है शिक्षा के लिए अभाव कमियाँ परिवार तथा समुदाय के सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं तथा मान्यताओं के कारण उत्पन्न हो जाते हैं शिक्षा में जो अभाव होता है दिखता है जो दिख, दिखाई देता है या उससे एक तरह से बिलगाव जो दिखाई देता है उसके सामाजिक आर्थिक कारण हो सकते हैं मुझे याद आ रहा है जी मेरे पड़ोस में बहुत पहले एक दर्जी का परिवार हुआ करता था जी तो उस दर्जी का एक छोटा बच्चा था जो स्कूल नहीं जाता था जी जी। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर आप इसको स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं मैंने उसके पिताजी से उस बच्चे के पूछा कि आखिर आप इसको स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं तो उनके पिताजी का जो उत्तर था वो बड़ा आश्चर्यजनक था उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्कूल भेज के मैं इसको क्या करूँगा ऐसे यदि मेरे साथ दुकान पर जाता है तो दर्जीगिरी सीखता है यानी वस्त्र सिलने की कपड़ा सिलने की कुशलता को सीखता है तो कुछ समय बाद यह स्वतंत्र रूप से इस व्यवसाय को अपनाएगा और आर्थिक अर्जन करेगा अर्थोपार्जन करेगा इस स्कूल में जाने के बाद ये न तो ये अपना, अपना जो कौशल जो है उसको, उसको अर्जन कर पाएगा जी जी जी। और नहीं अर्थोपार्जन कर पाएगा क्योंकि आज की शिक्षा पर व्यवस्था को अगर देखा जाए तो सफलता कम ही लोगों को मिल रही है तो ऐसी उसकी संकल्पना थी वही दूसरी परिवार से अगर बातचीत की जाए तो वो जो पहले से सरकारी सेवा में है या जिनका परिवार शिक्षित है जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर बल देते हैं ठीक बात तो ये थोड़ा सा अंतर पृष्ठभूमि का अवश्य पड़ अवश्य दिखाई देता है और जब भी हम बात करते हैं सीखने में सहजीकरण की प्रक्रिया की चीज़ों को जोड़ सहज ढंग से लेने की तो कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर हमें ध्यान रखनी चाहिए जिसकी ओर आपने भी ध्यान आकृष्ट किया एक तो बच्चों का परिवेश विस्तृत होता है जी। और कम से कम उनकी कल्पना की दुनिया बड़ी होती है उनके चारों ओर के जो पेड़ पौधे जीव जंतु आदि हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं उनको सीखने का आधार बना सकते हैं परिवार मित्र और पड़ोस पड़ोस जिसके बारे में आजकल हम सबसे कम जानते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था में पड़ोस के बारे में या पड़ोसी के बारे में कम से कम जानने का प्रावधान, प्रावधान है प्रावधान हो गया लेकिन ये सही बात सही नहीं बात है बात हमें नहीं अपने है। परिवार मित्र और पड़ोसी के बारे में तो जरूर जानना जी, चाहिए जी। इस ऐसी गतिविधियां जो जीवन में रोज़ चलती रहती हैं जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने पहला उदाहरण देखा था भोजन पर तो भोजन के साथ बीमारी और कृषि का भी जुड़ाव है एक बच्चा देखता है कि उससे जैसे ही वो बीमार होता है बड़े पूछते हैं कि क्या खाया था बिना किसी डॉक्टर के वो पूछते हैं क्या तो खाया खाया था, था? अब वो क्या खाया था से वो जोड़ता है अपने इस अनुमान को कि लगता है कि बीमार होने में भोजन की कोई ना कोई भूमिका है।, है अब भोजन को वो देखता है कि धान कहां से आता है गेहूं कहाँ से आता है सब्जियां कहाँ से आती हैं तो कृषि के साथ भी भोजन को जोड़ता है तो बच्चों में इस तरह से चीजों को जोड़ने की क्षमता होती है और हम संस्थाओं में इसको अलग अलग करके देखने के आदि हो जाते हैं लेकिन हमें चाहिए कि हम इस समेकित जो अनुभव है बच्चे का उसको आधार बनाकर उसके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें वो सीख सके तो बच्चों के ज्ञान को अधिगम के आधार के रूप में प्रयोग करना चाहिए जो वो लेके आता है अपनी कक्षा स्थितियों को हम संदर्भित बनाएं संदर्भ से जोड़ें अब आवश्यक नहीं है कि आप बैठे हुए हैं दिल्ली में और खासी पाइंस की बात करने लगे लेकिन जो मेघालय में बैठा है वो खासी पाइन की बात, बात कर करेगा करेगा मुजफ्फरपुर में, में बैठा हुआ एक व्यक्ति लीची की बात ज्यादा बेहतर तरीके से तो कर सकता है आप उसी राज्य में दूसरी तरफ यदि बढ़ जाएं गया नालंदा की तरफ चले जाएं तो आपको परेशानी होने लगे तो एक राज्य में इस तरह की स्थितियां होती हैं स्थानीय वातावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करना चाहिए मतलब ये वो स्थितियां हैं जिसमें बच्चों के सार्थक अधिगम के लिए कैसे हम उसके आसपास के परिवेश से जोड़, कर, जोड़ कर। उसके सीखने को सहज कर सकते हैं यह वैसी कुछ राय हैं कुछ सलाह है जो जिस पर शिक्षा हम शिक्षकों को ध्यान देनी चाहिए कि बच्चों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कर होनी चाहिए कक्षा में क्या है कि जो पहली स्थिति थी हमने देखी थी उसमें हम गए और हमने बता पढ़ा दिया इससे बच्चों के सवाल पूछने की जो क्षमता है उसका सबसे अधिक घाटा होता है जी जैसे ही आप बच्चे को कक्षा में बोलने का अवसर नहीं देंगे तो उसके मन में जो उठने वाले सवाल हैं वो उठने थोड़े दिन के बाद बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे वो उठेंगे ही नहीं। उठेंगे नहीं। इसलिए ऐसे सवाल उसके मन में उठें और उन्हें बोलने का रखने का उसको समझने का मौका मिले ये बहुत आवश्यक होता और ये सवाल निश्चित तौर पर उसके समाज और उसकी संस्कृति से जुड़े सवाल होते हैं इसलिए जब तक आप उसके स्थानीय समाज और संस्कृति को नहीं जानिएगा उसके मन में उठने वाले इन सवालों का न तो आप जवाब दे सकते हैं न ही उसके सीखने की प्रक्रिया को उससे जोड़ सकते। जोड़ सकते अब पाठ्य पुस्तकों में भी जो उदाहरण दिए गए हैं आमतौर पर हम करते क्या हैं कि भले ही हम ये कहते हैं कि पाठ्य पुस्तकें सीखने का एक साधन है लेकिन वास्तविकता यह है कि विशेष करके प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कि सीखने का सच में एकमात्र माध्यम आज भी पाठ्य पाठ पुस्तक, पुस्तक है। है। हम ये मानते हैं कि हमने किताबें पढ़ा दी और उसका अभ्यास बनवा दिया तो पढ़ाई हो हो गई तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक के रूप में कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकों को उस स्थानीय परिवेश से जोड़ जोड़ दें इतना तो कर दें जी कि हम बच्चों के की उस दुनिया में इस पाठ्य पुस्तक को लेके चले जाए जिस दुनिया में रह के लिखने वालों ने इस पाठ्य पुस्तक का लेखन नहीं किया है तो जो एक गैप रह गया है किताब और बच्चों आ, के बीच वो में ब्रिज हो जाए ब्रिज भर, भर जाए, जाए वो भर जाए उसमें हम सेतु का काम कर सकें और बच्चों को सवाल पूछने और तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करना तो हमारी भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपरा है हम तो नचिकेता के देश के लोग हैं जहाँ मृत्यु के देवता के सामने बैठ कर भी नचिकेता प्रश्न सवाल पूछने, पूछने की कला नहीं है। भूलता है तो ऐसे में ये अवसर तो छीनना वास्तव में आ, हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति से अलग अलग करना है, करना है। उसकी संस्कृति है। की अपनी विरासत से अलग करना, करना है।, है बल्कि कहा जाए कि उनके साथ अन्याय है अन्याय घोर अन्याय है महान्याय है ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि हम उनके मन में उठने वाले सवालों और तर्कों के लिए कक्षाओं में कोई स्थान स्थान न दें कोई ऐसा अवसर हाँ। न दे जिसमें वो ऐसा कर सके और आज की शिक्षा व्यवस्था जो है लगभग यही करती है वो प्रश्न पूछने को एकदम प्रश्न पूछना ही खत्म करवा देती है बच्चों से उसमें प्रश्न उसके मन में उठते ही नहीं है क्योंकि होता यह है ना कि हम केवल अधिगम प्रतिफल पर ध्यान देते हैं अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान नहीं देते हैं बच्चे क्या सीखे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है आज हमारे लिए जबकि होना यह चाहिए कि बच्चों ने कैसे सीखा या बच्चे कैसे सीख, सीख सकते हैं।, हैं।, हैं इसके इस पर यदि हम बातचीत या चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समझदारी आ, भी बढ़ेगी बच्चों की और बच्चों बच्चे अपने परिवेश के साथ जुड़ जुड़ेंगे उनकी अभिप्रेरणा भी बढ़ेगी मुझे एडवर्ड डिबोनो का एक कथन याद आ रहा है डिबोनो साहब ने कहा इस संदर्भ में कि डोंट टीच व्हाट टू थिंक हाँ, Teach them how to think, how to think. कैसे सोचना है? फिर हाँ, तो वो ये सोच लेगा कि हाँ, हमें क्या सीखना है हमें क्या सोचना हाँ. है तो हमें उन्हें ये बताना है कि तुम्हें सोचना कैसे सीखना कैसे है अब अधिगम के लिए जो पाठ्य पुस्तकें हमारी एक आधार हैं, उसमें आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का स्थानीय ज्ञान कई बार कोई रिश्ता नहीं होता मतलब उसमें एक अलगाव बहुत साफ साफ दिखाई देता है जी तो यह जो अलगाव है इसको पाठने की तैयारी भी हम शिक्षकों को करनी पड़ेगी यदि हम सच में सामाजिक सांस्कृतिक आ, संदर्भों को ध्यान में रख के अपनी आ, कक्षाओं को संचालित करना चाहते हैं तो हमें शिक्षण से पहले पाठ्य पुस्तकों को विस्तार से पढ़ना होगा और विस्तार से पढ़ने का मतलब यह है कि आज जिस पाठ को हमें पढ़ाना है हम सिर्फ उसकी तैयारी न, न करें बल्कि उस पाठ्यपुस्तक को समग्रता में एक बार पढ़ के ये ये जानने की कोशिश करें कि यह पूरी पाठ्य पुस्तक किस तरह के सीखने का माहौल बनाती, बनाती है।, है किस तरह के सीखने का अवसर देती।, देती है। पाठ के अनुसार हम उसमें स्थानीय उदाहरणों के लिए क्या स्थान हो सकता है इसकी पहचान कर ले स्थानीय उदाहरण हाँ। किन जगहों पर हम तो इसकी तैयारी पहले कर ले सीधे कक्षा में जाके स्थानीय उदाहरण हम ढूंढना शुरू कर संभव नहीं है विभिन्न अधिगम बिंदुओं पर बच्चों के संभावित ज्ञान का अनुमान लगाएं उनको भी कहें और आप भी अनुमान लगाएं कि बच्चे क्या क्या सोच सकते हैं पाठ को बच्चों के स्थानीय ज्ञान से ही शुरू करें जो स्थानीय ज्ञान उनको है यदि आवश्यकता पड़े तो उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें स्थानीय रूप से कुछ शिक्षण सामग्रियों का शिक्षण सामग्री का मतलब हम लोग टीएलएम समझ जाते हैं कुछ बना होना लिया हो गया शिक्षण सामग्री का अर्थ केवल टीएलएम नहीं है शिक्षण सामग्री का अर्थ है कि वहां जो ज्ञान उपलब्ध है जिसको हम स्थानीय ज्ञान कहते जी, हैं जी। वह हमारे पाठ पुस्तकीय ज्ञान से जुड़कर कैसे बच्चे को सीखने में सहायक हो सकता है।, है इसकी जी। हम तैयारी कर लेकिन हम लोग आमतौर पर करते क्या हैं कि हमने ये मान लिया कि जो हमने कुछ मॉडल हम बनाया कुछ मॉडल बनाया कुछ चार्ट या कुछ बनाया कंप्यूटर पे वो स्लाइड्स वगैरह दिखाए बच्चों जी, को जी। और वो हमारी सामग्री हो गई हाँ, और काम खत्म हो गया काम खत्म हो गया। जी। तो वैसे मैं ये आवश्यक है कि आज की पूरी चर्चा का यदि हम एक तरह से लब्बो लुबाब जिसे कहते हैं निकालें तो ये है कि एक तो हर बच्चे की सीखने की गति अलग पैटर्न अलग-अलग है उसकी विधा भी अलग-अलग है और साथ ही साथ बच्चे अपने जो उनका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश है जी। उससे जो कुछ लेकर आते हैं वही उनके सीखने का आधार हो सकता है जी या आप कह सकते हैं कि वही उनके सार्थक सीखने का आधार हो सकता है। और इसके लिए आवश्यक होगा कि हम सभी शिक्षक जो कक्षाओं में प्रतिदिन जाते हैं और ऐसे बच्चे बच्चियों से हमारी भेंट होती है हम अपनी कक्षाओं की समझ बनाएं अपने स्थानीय परिवेश की समझ बनाएं और उसके बाद अपनी कक्षाई रणनीतियों का निर्माण करें कि इन इस परिवेश में आखिर सीखने का माहौल हम कैसे, कैसे पाएंगे इस संदर्भ में अगर यह भी कहा जाए कि बच्चा जो है वो पढ़ाने का विषय नहीं है बच्चा पढ़ने का विषय है शिक्षक को उसे पढ़ना चाहिए बिल्कुल ज्ञान तो बच्चा खुद अर्जन कर बिल्कुल तो मुझे लगता है कि यह बड़ा उपयुक्त कथन होगा धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी जी धन्यवाद आपने बड़े ही संक्षिप्त में और बड़े ही सारगर्भित जानकारी दी हमारे दर्शकों को कम समय में आपने उनका बड़ा ही अच्छा ज्ञानवर्धन किया कि कैसे हम सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य को हम अधिगम के साथ जोड़ सकते हैं ताकि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके वो शिक्षण प्रक्रिया से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका भी धन्यवाद और सारे दर्शकों को भी हमारा धन्यवाद Uh...